गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का समय है और इस लॉकडाउन में मैं आप सभी के बीच फेसबुक लाइव कंप्यूटर क्लासेस, यूट्यूब लाइव कंप्यूटर क्लासेस लेकर उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आज का जो समय है, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोरोना वायरस महामारी से हम सभी छात्र छात्राएं, अभिभावक, हमारे जितने भी साथी दोस्त है, सभी इस बात से वाकिफ है कि अभी का समय बहुत ही सेंसिटिव है और एट फर्स्ट सेफ लाइफ जरूरी है। सभी को अपना सेहत की चिंता होनी चाहिए। तो दोस्तों, फिर भी मेरे द्वारा इस लॉकडाउन में जितने भी छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं, उन सभी छात्र छात्राओं से मेरा एक अनुरोध है कि कृपया घर पे रहे, सेफ रहे। सेफ ही सबसे बड़ा कोरोना वायरस से बचने का हमारा उपाय है। सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो क्लासेस होगी, तो बिगिनर, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी कारणवश आप ज्वाइन नहीं कर सके और आप सभी के पास घर पे लैपटॉप है, कंप्यूटर अवेलेबल है, तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करेंगे ये हम जानना सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज, हमारा जो उद्देश्य है यूट्यूब के माध्यम से आने का, फेसबुक के माध्यम से आने का, बस इतना है कि हम जो है, मेरी जो क्लासेस है या सांसर, जो मेरी नाम सांसर है, हम बच्चे से कनेक्ट कर सके और बच्चे हमें जान सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आ चलते हैं हम लोग कि खुद से कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करें कंप्यूटर को। तो सब चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप एमएस वर्ड को ऑन कर लें। एमएस वर्ड ऑन करने के बाद सबसे पहला जो आपका काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट को इस एडिटिंग एरिया पर लिखना। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट को एडिटिंग एरिया में लिखना चाहते हैं, तो एक छोटा सा इस हमारा जो है एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को एमएस वर्ड के एडिटिंग एरिया पे ला सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? इक्वल रेंड ब्रैकेट ऑफ एंड क्लोज। अगर हम रेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो कुछ टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली हमारे एडिटिंग एरिया पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमारी वीडियो हुई थी, उसके अंदर हमने सीखा था कि किसी भी टेक्स्ट को हम लोग फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट करने का तरीका। आज हम सीखेंगे कि पैराग्राफ, अगर मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट का हम पैराग्राफ सेटिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले मैंने किसी कुछ टेक्स्ट को अपने एडिटिंग एरिया पे टाइप कर चुका हूं। करने के बाद सबसे पहला यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बोला गया है बुलेट्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बुलेट्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी। आप यहाँ से किसी भी बुलेट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि जहां जहां हमारा पैराग्राफ चेंज हुई है या जहां जहां इंटर देने के बाद हमारा टेक्स्ट लिखा गया है, वहां वहां बुलेट्स आ गई। अब हम बुलेट्स का स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, जिस तरह से हम बुलेट का सिंबल्स लेना चाहते हैं उस तरह का सिंबल्स हम ले सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि बुलेट्स की जगह में हमारा जो टेक्स्ट हो, वो टेक्स्ट में अल्फाबेटिक कोई नंबर हो, तो नंबर के लिए हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक नंबर आपके आ जाएगी। आप किसी भी तरह का फॉर्मेट का नंबर आप ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम अपना फॉर्मेट को चेंज करें, तो आप यहाँ से चेंज लिस्ट लेबल कर सकते हैं, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ये सारा चीज आप कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। आप चलते हैं यहाँ से हम लोग मल्टी लिस्ट। ये मल्टी लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस और आंसर शीट बनाएंगे, तो हमारा मल्टी लिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम लोग मल्टी लिस्ट का भी प्रयोग करेंगे क्वेश्चंस और आंसर बनाने के लिए। आप यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मल्टी लिस्ट है, आप मल्टी लिस्ट को बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं असेंडिंग मोड में और डिसेंडिंग मोड में। हम लोग
एक तो डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। हम लेफ्ट के तौर पे ले जा सकते हैं हम अपने पैराग्राफ को, और राइट के तौर पे भी हम लोग ले जा सकते हैं पैराग्राफ को क्लिक करने के बाद। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारा टैक्स यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा सैमसंग कंप्यूटर क्लासेस, सैमसंग कंप्यूटर क्लासेस। अब ये सैमसंग कंप्यूटर क्लासेस टैक्स को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट टैक्स। अलाइनमेंट टैक्स का काम होता है कि अपने टैक्स को, जो भी टैक्स है उस टैक्स का हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर दे। हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी टैक्स की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट में रहेगी, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर पे रहेगी, और राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट पे रहेगी। आप अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप जिस तरह से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि मान लीजिए मैंने ये टैक्स लिया, ये टैक्स मैंने टाइप किया था। अब देखिए यहाँ से है जिसको हम जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई का काम क्या है कि जो भी पैराग्राफ, जो भी टैक्स मैंने लिखा है उस टैक्स के लेफ्ट एज साइड एंड राइट एज साइड दोनों इक्वल हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई का यूज करते हैं। अगर हम जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट एज साइड और राइट एज साइड जो है इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जिसके हम लोग जस्टिफाई के माध्यम से कर सकते हैं। अब उसके बगल में स्पेसिंग, हम यहाँ से स्पेसिंग को ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिंग अवेलेबल होगी, आप ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर स्पेसिंग का क्या काम है। स्पेसिंग का काम है एक पैराग्राफ यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की गैपिंग को करना, वो स्पेसिंग का काम है। आप यहाँ से आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप जितने आपको आवश्यकता रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप स्पेसिंग दे सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से शेडिंग कलर। शेडिंग का काम क्या है कि आप देखे होंगे कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड कलर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में क्या होती है कि जो भी टैक्स होता है वो टैक्स ही कलर होगा, इसके अलावा और भी कलर नहीं होगा। बट यहाँ पे शेडिंग कलर में क्या होता है कि आप जितने भी टैक्स है, वो जितने भी टैक्स आपने सेलेक्ट किया है उस टैक्स के अंदर एक शेडिंग कलर आपका आ जाएगी, जिससे आपका टैक्स हाईलाइट होगी। आप देख रहे हैं कि आपका जितने भी टैक्स लिखा हुआ है वो सेलेक्ट है, वो उसके पीछे बैकग्राउंड आ चुका है ये शेडिंग के माध्यम से। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे शेडिंग्स कलर है, आप दे सकते हैं, और आप यहाँ से नो कलर कर भी हटा सकते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं हमारा काम क्या है कि ये बॉर्डर का, यहाँ से अगर हम लोग सिलेक्ट करके बॉर्डर आप दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे बॉर्डर अवेलेबल है, वो बॉर्डर को आप दे सकते हैं। बॉर्डर हटाकर आप देख सकते हैं टॉप में दे सकते हैं, लेफ्ट में दे सकते हैं, राइट में दे सकते हैं, और हम लोग बॉटम में भी दे सकते हैं, बॉटम भी दे सकते हैं। और ये बॉर्डर को हम लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम लोग बॉर्डर भी दे सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं कि सबसे पहले मैंने दो चीज छोड़ा था यहाँ पे, एक तो शॉर्ट और एक सो हाइट। अब देखिए ये शॉर्ट हाइट का काम क्या है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका वर्क क्या है। तो आपको सभी को हम बता दे रहे हैं, अगर सो हाइट का क्लिक करेंगे तो याद रखिएगा कि आपने जहां जहां इंटर प्लेस किया था, जहां जहां आपने पैराग्राफ को चेंज किया था, वो शो हो जाएगी। किसके माध्यम से, शो हाइड के माध्यम से वो आपका पैराग्राफ शो हो जाएगा कि आपने यहाँ पे इंटर किया। आप पहले बार देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पे आपका शो हाइड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जितनी बार भी इंटर प्रेस किया था वो सारा शो कर रहा है। तो आप यहाँ से शो हाइड को हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, और आपको सेल्फ कंप्यूटर ट्रेडिंग क्लासेस हमारी तरफ से इसी तरह मिलती रहेगी। आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा। आपका सांसद, जय हिंद, जय भारत, बी सेफ, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज जो कोरोना वायरस, जो COVID-19 एक बेसिक महामारी हो गया है, इसके लिए आपको और अपने परिवार को अच्छी तरह से सेव करके रखना है। चलिए, धन्यवाद।